हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऑर्गेंजा फैब्रिक से गाउन बनाऊंगी। तो देखिए, ये मैंने 5.5 मीटर की ऑर्गेंजा, मेरे पास साड़ी थी तो इसको मैंने साड़ी बनाने के लिए लिया था, पर मैं इसकी एक गाउन बनाऊंगी। मेरी बेटी ने कहा है कि मम्मी इसकी गाउन बनाइए। तो देख, ये मैंने इसके साथ में कॉटन का अस्तर लिया है, ये थोड़ा वह हैवी वाला अस्तर है, और इसको मैंने 4.5 मीटर लिया है। तो मैंने ना अस्तर में से थोड़ा सा कपड़ा कट करके लिया है ऊपर चूली के लिए। तो इसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 11 इंच। इसको मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। तो शोल्डर मैंने इसके लिए 7 इंच लिए हैं और 7 इंच ही मैंने आर्म होल पर निशान लगाया है। 1 इंच यहाँ से निशान लगा के और इसमें गोलाई दे देंगे। गले की चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है और पीछे का गला की लंबाई मैंने 1 इंच रखी है। अब अपने चेस्ट के हिसाब से 36 इंच का चौथा भाग मैं 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर कमर के हिसाब से 32 इंच का चौथा भाग 8 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें से पीछे वाले पार्ट को हम अलग करके रख देंगे और आगे वाले पार्ट की गले की कटिंग करेंगे। गले की लंबाई मैंने 7 इंच ली है और इसको बी शेप में ड्रॉ किया है और आर्म होल में यहाँ पर आगे आधा इंच पे मैंने एक लाइन खींची है, आधा इंच दूरी पे। आर्म होल में थोड़ी सी हमें गहराई देनी है, आधा इंच के लगभग। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसमें पिन लगा के सेट करके अब हम इसको काट लेंगे। पीछे वाले पार्ट को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए, इसके गले की वीडियो मुझसे मिस हो गई थी तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो मैं इस पे आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने इसको ऑर्गेंजा फैब्रिक को इस तरह से अलग करके ले लिया है और यहाँ पर इसके जो शोल्डर हैं उनको हम सिल लेंगे और इसके भी शोल्डर को हम सिल लेंगे। अलग अलग हमें इन दोनों को सिलना है और फिर हमें इसको सिल के इस अस्तर वाले पार्ट को हमें इससे सीधा रखना है और ऑर्गेंजा वाले फैब्रिक को हमें उल्टा रखना है। तो मैंने 3 इंच चौड़ी एक पट्टी कट की है अस्तर की और ऑर्गेंजा फैब्रिक की। तो नीचे से इसमें पट्टी जोड़ते हुए ले आएंगे और पीछे के गले से लेके और दूसरे वाले पार्ट में नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद में हम इसको भी इसके ऊपर ही सिल लेंगे, पीछे के गले को भी इसमें मिलाते हुए इसके ऊपर ही सिल लेंगे। तो देखिए, मैंने इसको सिल लिया है इस तरह से और अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा कटिंग थी उसको कट करके लेंगे। इसको उल्टा करके सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए, इसके ऊपर अब हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे पूरे में, पीछे से लेके आगे गले तक दो। अब इस पर मैंने सिलाई लगा ली है और इसके इधर साइड में भी हम इसको अच्छे से सेट करके सिल लेंगे। अब मैं इसकी बाजू कट करूँगी। तो मैंने इसकी लंबाई 17 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 10 इंच। यहाँ से 4 इंच पे निशान लगा के इसमें गोलाई देके और इसकी बाजू को कट कर लेंगे।
आगे के पार्ट में आधा इंच के लगभग गहराई दे देंगे। और अब हम अपने उस पर अपनी बाजुओं को जोड़ लेंगे दोनों तरफ से। देखिए बाजुएं जोड़ ली हैं। अब इसके नीचे बाजुओं के दोनों तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसके घेरे की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने जितना कपड़ा बचा था साड़ी का, तो उसको मैंने फोर फोल्ड करके रख लिया है। इसकी चौड़ाई 41 इंच है और इसकी लंबाई है 43 इंच। जितना इसका आर्ज था मैंने उतनी ही ली है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको अब दो दो पार्ट में कट कर लूँगी। और उसके बाद हम इसमें प्लेट डालेंगे। मैंने इसमें सिंपल वाली ही प्लेट डाली है। आप बॉक्स प्लेट भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें पूरे में हम दोनों में प्लेट डाल लेंगे। और अब हम अस्तर को भी कट करेंगे। तो अस्तर को भी मैंने दो पार्ट में कट कर लिया है। और इसकी लंबाई देखेंगे अब हम कितनी है। तो मुझे इसकी लंबाई 42 इंच चाहिए, इससे थोड़ा कम था। तो मैं इसमें से ही थोड़ा सा कपड़ा कट करके और इसमें जोड़ लूँगी। इस तरह नीचे से नीचे की तरफ कपड़े को जोड़ लेंगे। अब देखिए मैंने इस पर प्लेट डाल ली है और अस्तर वाले कपड़े में भी मैंने प्लेट डाल ली है। अब मैंने 4 इंच की एक पट्टी कट की है और इसके तीन तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। और इसको सीधा करके लेंगे और जो बंद वाली साइड थी ना उसको ऊपर रखेंगे और जो खुली वाली साइड थी उसको नीचे रखेंगे। और यहाँ पर लूप लेके मैंने लूप बनाए हैं थोड़े से, उसको यहाँ पे लगा के इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसके दोनों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसके यहाँ पर सिलाई लगा ली है। और अब हम इसके घेरे को इसमें जोड़ेंगे। इस तरह से इसको रख के और इसको इसमें रख के सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। मैंने इसमें इसके घेरे को भी जोड़ लिया है। तो अब हमारी इसमें गाउन में अच्छे सेट करके इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इसमें मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसके बॉटम पार्ट में बॉटम पार्ट को सिलेंगे। तो इसको सीधा करके रख लेंगे और इसमें मैंने बटन भी लगा लिए हैं। मैंने इसके लिए 3 इंच चौड़ी एक पट्टी कट की है अस्तर की और उसके इस पर सिल के इसके गोलाई में इसको सिल लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड करके। और इसके अस्तर को भी अंदर की तरफ फोल्ड करके सिल लेंगे। देखिए मैंने इसके नीचे बॉटम पार्ट को भी सिल लिया है। हमारी गाउन बन के तैयार हो गई है। ये है गाउन का फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।